अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेनल कार्सिनोमा या रेनल सेल कैंसर। डेफिनेशन: रेनल सेल कैंसर इज़ अ कंडीशन इन विच वन और मोर कैंसरस ट्यूमर्स डेवलप इन वन और बोथ किडनीज। ओवर द टाइम द ट्यूमर्स ग्रो इन साइज एंड कैन इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज। इन इट्स मोर एडवांस स्टेजेज रेनल कैंसर मेटास्टेसाइज स्प्रेड थ्रू आउट ऑफ द बॉडी कॉजिंग ट्यूमर्स टू डेवलप इन अदर ऑर्गन्स। सी, रेनल सेल कैंसर वो कंडीशन है कि जिसमें कैंसरस ट्यूमर की वजह एक ट्यूमर या दो ट्यूमर या बहुत ज़्यादा ज़्यादा ट्यूमर जो कि एक किडनी को या दोनों किडनी को अफेक्ट कर रहे हैं। और ये जो सब जब ज़्यादा ग्रो करेंगे कैंसर के सेल, तो वैसे भी ज़्यादा ग्रो कर रैपिडली ग्रो करते हैं, क्योंकि मेटास्टेसाइज अगर वो हो जाएंगे यानी कि वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी क्या कॉज करेंगे, ट्यूमर डेवलप करेंगे दूसरे ऑर्गन्स में। रेनल सेल कार्सिनोमा, RCC शॉर्ट फॉर्म इसकी। साइट इसकी क्या, एनी पोर्शन ऑफ द किडनी बट मोर कॉमनली अफेक्टेड द पोल्स, सॉलिटरी अनलेटरल लीजन्स, स्फेरिकल मासेस। सी, वैसे तो ये ट्यूमर जो होता है, ये कैंसर, ये किडनी के किसी भी जगह पर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली पोल्स को अफेक्ट करता है, किसके, किडनी के। कंपोज्ड ऑफ ब्राइट येलो ग्रे वाइट टिश्यू दैट डिस्टॉर्ट्स द रेनल आउटलाइन। सी, ये वाइट टिश्यूज इस तरह के फॉर्म करता है कैंसरस के। लार्ज एरियाज ऑफ इस्केमिक ओपेक ग्रे वाइट नेक्रोसिस एंड फोसी ऑफ हेमोरेज डिस्कलरेशन। द मार्जिन्स आर यूजली शार्पली डिफाइंड एंड कन्फाइंड विद इन द रेनल कैप्स्यूल। टाइप्स ऑफ रेनल सेल का, रेनल कैंसर सेल्स। प्राइमरी रेनल कैंसर सेल्स रेफर्स टू कैंसरस ट्यूमर दैट ओरिजिनेट इन द किडनी। द किडनी कैन ऑल्सो डेवलप मेटास्टेटिक और सेकेंडरी ट्यूमर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कैंसर दैट स्प्रेड फ्रॉम वन सम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सही है, प्राइमरी ट्यूमर यानी कि वही किडनी के जो के कैंसरस ट्यूमर होता है, वो ओरिजिनेट होता है यानी कि आता है किडनी पर, किडनी से यानी कि ओरिजिनेट होता है। अगर वो दूसरे में ऑर्गन्स में जाता है स्प्रेड होके, तो वो क्या, सेकेंडरी कहलाएगा। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्राइमरी रेनल कैंसर। प्राइमरी रेनल सेल के, रेनल कैंसर के भी टाइप्स हैं। रेनल सेल कार्सिनोमा आज इसी कंप्राइज 80 to 85% ऑफ ऑल रेनल कैंसर्स। दे टिपिकली अराइज इन द रेनल कॉर्टेक्स। से जो रेनल सेल कार्सिनोमा 80 to 85% यानी कि यही रेनल कैंसर्स होते हैं, और ये कहाँ पर आए, रेनल कॉर्टेक्स के अंदर यहाँ पर बनते हैं, ये मोस्ट कॉमन जगह यानी कि यहाँ पर, यहाँ से सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं। सब टाइप्स क्लियर सेल और कन्वेंशनल RCC इज़ द मोस्ट कॉमन 80%। क्रोमोफिलिक और पेपिलरी RCC 15% या क्रोमोफोबिक कार्सिनोमा 5%। कोलेक्टिंग डक्ट ट्यूमर्स अकाउंट फॉर 1% ऑफ RCC। या सैक्रोमेटॉइड रेनल कैंसर सेल कैन ऑकर विद एनी टाइप ऑफ सब टाइप इज द मोस्ट अग्रेसिव। ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा अराइज विद इन अ पोर्शन ऑफ द किडनी रेनल पेल्विस। दिस टाइप ऑफ ट्यूमर्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू ब्लैडर कैंसर दैट द रेनल कैंसर एंड ट्रीटेड सिमिलरली। विल्म्स ट्यूमर आल्सो कॉल्ड नेफ्रोब्लास्टोमा दैट इज फाउंड मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन। सी, RCC इज नॉट वन डिजीज, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स विद डिफरेंट हिस्टोलॉजी, डिफरेंट क्लिनिकल कोर्सेज एंड कॉज बाई डिफरेंट जीन्स। सही है, जिसे के टाइप क्लियर सेल हमारे पास, और क्लियर सेल ऐसा, पेपिलरी टाइप हमारे पास इस तरह की होती है, पेपिलरी टाइप 2 एंड क्रोमोफोबिक एंड ऑन्कोसाइटोमा। हाउ डू यू क्लासीफाई RCC? क्लासीफाई इनको किस में करते हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा जो के हमारे पास होंगे, क्लियर सेल इस तरह का होगा, क्लियर सेल कार्सिनोमा। सेकेंड हमारे पास पेपिलरी रेनल कार्सिनोमा इस तरह का होगा। थर्ड हमारे पास क्रोमोफोब
रेनल कार्सिनोमा। चौथा कोलेक्टिंग डायरेक्ट कार्सिनोमा। रिस्क फैक्टर्स यानी कि किस वजह से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी सीजी मोस्ट ऑफन डेवलप आफ्टर द एज ऑफ 50, यानी कि एज 50 के बाद ये डेवलप होते हैं मोस्टली। मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन, मैन में ज़्यादा क्यों कॉमन होते हैं। एंड इन ब्लैक्स एज कम्पेयर टू वाइट, और ब्लैक्स जो कि ब्लैक स्किन वाले या ब्लैक स्किन वाले जो लोग, उनमें ज़्यादा कॉमन होते हैं ये। इन मैन सेवेंथ मोस्ट कॉमन कैंसर एंड 10th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड टू डेथ। सही है। और ये मैन के मैन में यानी कि 7th मोस्ट कॉमन कैंसर है जो कि होता है, और 10th मोस्ट कॉमन है कॉज है कि जिसकी वजह से डेथ होती है। सिगरेट स्मोकिंग डबल द रिस्क ऑफ डेवलपिंग आरसीसी। अगर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो आपको आरसीसी होने के चांसेस हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर सब्सटेंस सच एज स्केडियम एस्बेस्टोस एंड पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स इंक्रीज रिस्क फॉर आरसीसी। ओबेसिटी की वजह से इंक्रीज रिस्क फॉर आरसीसी बोथ मैन एंड वुमेन। एक्वायर्ड सिस्टिक डिसीज ऑफ किडनी की वजह से 30% ऑफ पेशेंट्स। एनाल्जेसिक एब्यूज ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। जेनेटिक फैक्टर्स। सिम्टम्स क्या होंगे? हिमेचोरिया होगा, फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन क्या है? पेन इन द साइड एट द लेवल ऑफ द लोअर रिब केज। अ न्यू ग्रोथ इन द एब्डोमिन, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ वेट, इंटरमिटेंट फीवर, नाइट स्वेट्स, फैटीग। पैथोफिजियोलॉजी। द ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक अपेरेंस इज हाईली वेरिएबल। से ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक अपेरेंस सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कि मे प्रेजेंट एज रेडेंट एरिया वेयर ब्लड वेसल्स हैव ब्लड एंड सिस्ट कंटेनिंग वाटरी फ्लूइड। सही है। जो वहाँ पे कैंसर होगा वो क्या एरिया क्या होगा? रेडिश होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग हुई होगी और सिस्ट होगा, वहाँ पे वाटरी फ्लूइड बना होगा। लाइट माइक्रोस्कोप शोज ट्यूमर सेल फॉर्मिंग कोर्स पेपिलरी ट्यूब्यूल्स और नर्स। लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं? ट्यूमर शो करता है, सेल फॉर्मिंग कोर्स पेपिलर और ट्यूबुलर नेस्ट्स, इस तरह के नेस्ट्स बन जाते हैं। आरसीसी सेल में भी क्लियर ग्रेनुलर मिक्स्ड क्लियर एंड ग्रेनुलर और सेक्रोमॉयड एंड स्पिंडल। मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स आर मिक्स्ड एंड दे आर मोस्ट एग्रेसिव। मिक्स्ड होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। स्टेजिंग। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ आरसीसी इज कंफर्म्ड, द एक्सटेंट ऑफ द कैंसर इज स्टेज्ड बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइमरी किडनी ट्यूमर, द ट्यूमर और टी स्टेज। द अपेरेंस ऑफ कैंसर इन द सराउंडिंग लिफ नोड्स, द नोडल और एंड स्टेज, और द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी मेटास्टेसिस, द एम स्टेज। सही है। तीन स्टेज हमारे टी एन एम, इनको हम आगे देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टी एन एंड एम क्लासिफिकेशन आर ग्रुप टुगेदर स्टेज ग्रुपिंग्स टू फॉर्म फोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज इन आउटकम फॉर ईच स्टेज। सही है। टी एन एम सिस्टम की वजह से टी में क्या होता है? जहाँ पे ट्यूमर स्टेज, जो कि ट्यूमर अपेयर होता है किडनी में, और एन स्टेज क्या होती है कि वो लिम्फ नोड में चला जाता है, या वहाँ पे मेटास्टेसिस एब्सेंस प्रेजेंस या एब्सेंस होती है किसकी? मेटास्टेसिस की, मतलब कि वो लिम्फ नोड से निकल के दूसरे ऑर्गन्स में चला गया है। से यह हमारे पास टी एन एम स्टेजिंग है, इसको आप लोग रिव्यू कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ आरसीसी। स्टेज वन, आरसीसी हैव अ स्मॉल लेस देन 7 सेंटीमीटर ट्यूमर दैट इज लिमिटेड टू द किडनी, नो एविडेंस और लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड मेटास्टेटिक डिजीज। सही है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? लेस देन 7 सेंटीमीटर होता है और ट्यूमर किडनी के अंदर होता है, वो लिम्फ नोड में या दूसरे ऑर्गन्स में नहीं गया होता है। स्टेज टू हमारे पास आरसीसी हैव अ लार्ज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर ट्यूमर लिमिटेड टू द किडनी, नो एविडेंस ऑफ लिम्फ नोड नोड इन्वॉल्वमेंट मेटास्टेटिक डिजीज। स्टेज टू में क्या होता है कि वो 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी ये किडनी में होता है, वो दूसरे लिम्फ नोड में या दूसरे बॉडी बॉडी के ऑर्गन्स में नहीं गया होता है। स्टेज थ्री, ट्यूमर्स हैज इन्वेडेड द एड्रीनल ग्लैंड टिश्यू सराउंडिंग द किडनी
और मेजर नियर बाय वेन सच एज वेना कैवा ऑल्सो इंक्लूड पेशेंट विद इनलार्ज एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स। स्टेज थ्री में क्या होता है कि वो इन्वेड कर जाता है सराउंडिंग टिश्यूज में, जो कि हमारा है मेजर वेन है वेना कैवा के अंदर और एड्रीनल ग्लैंड के अंदर, और जो कि हमारे सराउंडिंग टिश्यूज हैं किडनी के उसके अंदर चला जाता है। और सम टाइम्स पेशेंट का क्या हो एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स बड़े हुए होते हैं। स्टेज फोर हैव लार्ज ट्यूमर्स दैट एक्सटेंड इनटू सराउंडिंग टिश्यूज और मेटास्टेसिस टू अदर डिस्टेंट लोकेशंस। सही है, स्टेज फोर में हमारे पास क्या होता है कि वो सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर और सराउंडिंग ऑर्गन्स के अंदर चला जाता है। स्टेजिंग इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। अर्लियर स्टेज डिजीज हैव द मोस्ट फेवरेबल प्रोग्नोसिस एंड आउटकम। डायग्नोस्टिक वार्म अप जनरल हम लोग हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। लेबोरेटरी स्टडीज़ में हम लोग CBC, LFTs, अल्कलाइन फॉस्फेट, बन क्रिएटिनिन, यूरिनलाइसिन इन सब की नॉर्मल वैल्यूज़ चेक करेंगे, कितनी वैल्यूज़ बढ़ गई हैं कि कम हो गई हैं। रेडियोग्राफिक स्टडीज़ में हम लोग करेंगे क्या करेंगे, इंक्रीज यूज़ ऑफ इमेजिंग हैज़ इंक्रीज द डिटेक्शन ऑफ रेनल लीजन्स मोस्ट ऑफ विच आर सिंपल सिस्ट। एक्सरे कब रीजन, अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सलेंट इन डिस्टिंग्विशिंग सिस्टिक फ्रॉम सॉलिड मैसेस। इंट्रावेनस यूरोग्राफी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हिमेचोरिया एवोल्यूशंस एंड फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रालेटरल किडनी। कंप्यूटर टोमोग्राफी प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट असेसमेंट ऑफ द पैरेन्काइमा एंड नोडल स्टेटस। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक्सलेंट डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ सॉलिड रेनल मासिस एंड इट्स इमेज टेस्ट ऑफ चॉइस टू डिमोन्स्ट्रेट एक्सटेंट ऑफ वेना केवल इन्वॉल्वमेंट विद ट्यूमर्स यूजफुल इन पेशेंट्स विद रेनल इनसफिशेंसी। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स फॉर RCC पैथोलॉजिक्स 22 ऑर्गन कन्फाइंड, यानी कि कितने पर्सन के सर्वाइवल रेट है जो कि ट्यूमर साइज के हिसाब से और उसके हिस्टोलॉजी के हिसाब से, यानी कि अगर कितना वो कैंसर हमारा किस स्टेज में चला गया है तो उसके सर्वाइवल के कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो बच सकता है। किडनी कैंसर स्टेज 1 में से ये ट्यूमर डेवलप होता है, वो किडनी के अंदर ही होता है, 7 सेंटीमीटर से लेस होता है, 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाता है और अभी भी किडनी के अंदर होता है। थर्ड स्टेज में हमारे वेन में चला जाता है से वेना केवा के अंदर, और फिर यहाँ पे स्टेज 4 में सराउंड टिश्यू में जाने की, टू अदर ऑर्गन्स में, दूसरे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाने की कोशिश करता है। सही, ये सारे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 का बताया गया है इसमें कि आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट ऑप्शंस भी बताए गए हैं कि किस तरह आप स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 को मैनेज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह कहेंगे, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, मेडिकेशंस में हम लोग कहते हैं इम्यूनो थेरेपी, कीमोथेरेपी, एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी। द ट्रीटमेंट प्लान इज डिटरमाइंड बाय द स्टेज ऑफ द डिजीज़। ये ट्रीटमेंट प्लान किसके हिसाब से बताया जाएगा कि कौन सी स्टेज का कैंसर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ का। क्यूरेटिव सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टेज वन व्हेन द कैंसर हैज़ नॉट स्प्रेड बियॉन्ड द किडनी। सही है, सर्जिकल ट्रीटमेंट कब किया जाता है, किस स्टेज 1 में हो वो अभी, यानी कि किस में किडनी से बाहर नहीं निकला हो कैंसर, या रेडिकल नेफ्रोक्टमी, ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो रेडियल नेफ्रेक्टमी की जाएगी, या पार्शियल नेफ्रेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, रेडिकल एंड पार्शियल नेफ्रेक्टमी, या क्राइएब्लेशन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर बाय फ्रीजिंग टेक्निक की वजह से उसको यानी कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन RFA, डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स बाय यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट एनर्जी की वजह से, यानी कि हीट एनर्जी की वजह से, रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट एनर्जी की वजह से ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट हमारे पास प्री ऑपरेटिव केयर हमारी क्या होगी, असेसमेंट हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन असेसमेंट करेंगे, एडवाइस टोबैको सेसेशन, असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, फंक्शनल स्टेटस, डिटरमाइन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट,
इंक्लूजन ऑफ पार्टनर फैमिली मेंबर्स टू इस्टेब्लिश सपोर्ट एंड मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल असिसमेंट, प्रोविजन ऑफ ऑडियो एंड विजुअल इंफॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू मीट सिमिलर पेशेंट्स, एड्रेसिंग रिलीजियस एंड कल्चरल टिश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर, कार्डियो पल्मोनरी असिसमेंट, लर्निंग नीड्स। पोस्ट ऑफ केयर हमारा क्या होगी, फेज़ वन में हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ द इंटरमीडिएट रिकवरी फेज एंड रिक्वायर्स इंटेंसिव नर्सिंग केयर टू डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ये फेज वन में हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, अर्ली साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन। रिसीव अ कम्प्लीट पेशेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग रूम विच टू प्लान पोस्ट ऑपरेटिव केयर। से ये ऑपरेशन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोफाइल होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम ले लेंगे ताकि हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर सकें। डेजिग्नेटेड फॉर केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी एंड पेशेंट रिक्वायरिंग क्लोज मॉनिटरिंग। से सर्जिकल की पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना होता है ताकि उसके अंदर क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको किस तरह डील किया जा सके। फेज़ टू में हम लोग क्या होता है, केयर ऑफ द सर्जिकल पेशेंट हु हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फेज़ वन पोस्ट ऑफ यूनिट, पेशेंट रिक्वायरिंग लेस ऑब्जर्वेशन एंड लेस नर्सिंग केयर फेज़ देन वन। अगर फेज़ वन से हो के आ गया फेज़ टू में तो हम लोग क्या करेंगे, लेस केयर उसको फिर देनी पड़ेगी, नहीं कि उसको मॉनिटर करेंगे लेकिन कम करेंगे फेज़ वन में, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा थी। दिस फेज ऑल्सो नोन एज स्टेप डाउन और प्रोग्रेसिव केयर यूनिट। से फेज़ टू को क्या कहा जाता है, स्टेप डाउन और प्रोग्रेसिव केयर यूनिट कहा जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमारे पास इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, इनिशियल असेसमेंट करेंगे, एयरवे पेटेंसी चेक करेंगे, सांस सही तरह जा रही है, इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्पायरेशन किस तरह ले रहा है, प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल एयरवे, मैकेनिकल वेंटिलेशन और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, सर्कुलेटरी स्टेटस, वाटर साइंस, वाउंड कंडीशन इंक्लूडिंग ड्रेसिंग एंड ड्रेन्स, फ्लूड बैलेंस इंक्लूडिंग आईवी फ्लूइड्स, आउटपुट फ्रॉम कैथेटर एंड ड्रेन्स एंड एबिलिटी टू अवॉइड लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पेन। पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटर क्या कहें, रिसीव द पेशेंट फ्रॉम द थिएटर, रिव्यू द पेशेंट रिकॉर्ड, मॉनिटर द पेशेंट वाटर साइन, चेक ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन एंड पल्स ट्वाइस एट 15 मिनट्स इंटरवल्स, चेक द सर्जिकल ड्रेसिंग फॉर ओजिंग और ब्लीडिंग, आस्क द पेशेंट इफ ही हैज़ एनी पेन, ऑब्जर्व द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। थ्री डायमेंशनल या 3D कॉन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, CT प्लान टू इमेज एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट द ट्यूमर एंड सराउंडिंग किडनी टिश्यू इन 3D। मल्टीपल फील्ड टेक्निक्स, रेडिएशन बीम्स कैन बी शेप्ड एग्जैक्टली टू द कॉन्टोर ऑफ द ट्रीटमेंट एरिया नियर बाय नॉर्मल टिश्यू इन यूजली स्प्रेड। सही, 3D यानी कि ट्यूमर किस तरह बना उसको 3D दिखाने की कोशिश की जाती है। हाउ इज रेडियोथेरेपी गिवन, लीनियर एक्सेलरेटिव प्रोड्यूसेस एक्सरे शेप टू द एरिया टू बी ट्रीटेड फील्ड। सही है, एक्सरे की जाते हैं रेडियोथेरेपी की। साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेडिएशन थेरेपी और रेडिएशन एक्सपोजर, उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, फटीग होगा, स्किन रिएक्शंस, एरिथमा या डिसक्वेमेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट, टेम्परेरी ड्रॉप इन प्लेटिलेट एंड WBC काउंट्स कम हो जाएंगे। आफ्टर मंथ्स और ईयर्स कैन गेट कॉम्प्लिकेशन इन किडनी, स्पाइनल कॉर्ड, लंग, स्किन ETC। सही, कुछ सालों के बाद या कुछ मंथ के बाद उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्केरिंग, अल्सरेशंस, सम कैन बी लीथल सच एज इंडक्शन ऑफ अ सेकेंडरी ट्यूमर। कीमोथेरेपी, RCC इज़ अ कीमो रेजिस्टेंट ट्यूमर फिनोमिनन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन MDR इन ट्यूमर सेल कॉजेज एक्सक्रूशन ऑफ द ड्रग। कन्वेंशनल थेरेपी हैज़ लिटल टू ऑफर, 5FU अलोन हैज़ अ रिस्पॉन्सिव रेट ऑफ 10%। ऑन गोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी इंक्लूड गेमसिटाबाइन एंड GFU। लिमिटेड डेटा रिवील्स सम रिस्पॉन्स इन नॉन क्लियर सेल RCC टू कार्बोप्लेटिन, सिसप्लेटिन प्लस गेमसिटाबाइन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कीमोथेरेपी क्या, एनीमिया होगा, लो RBC होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो प्लेटिलेट, न्यूट्रोपिनिया, लो WBC, इन्फेक्शन, हेयर लॉस, माउथ सोर्स, म्यूकोसाइटस, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया या ऑर्गन टॉक्सिसाइटस।
सही है, पूरा यानी कि नर्सिंग केयर एक प्लान रखा हुआ है कि जिसको आप लोग रिव्यू कर सकें, कि जिसमें हम लोग पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा लेंगे, फिर उसकी डायग्नोसिस क्या बनेगी, रेफरेंस यानी कि रेफरेंस कैसे, फिर प्लानिंग क्या होगी, इंटरवेंशंस क्या रखेंगे, रेशनल्स हमारे क्या होंगे और एवेल्यूएशंस क्या करेंगे, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू, होप यू लाइक इट।